हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिसकस अबाउट ऑफ यूनिट नंबर टू एंड एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम जो है वो एग्जांपल्स देखे थे दे आपके जो कि मेटा सेंट्रिक मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हेड के रिगार्डिंग थे तो आज हम जो है वो नया यूनिट देखने जाने वाले हैं यूनिट नंबर थ्री फ्लूड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स अब इसमें जो काइनेमेटिक्स है उसकी स्टडी जो है वो डिफरेंट वे से होगी एंड डायनेमिक्स की स्टडी जो है वो डिफरेंट वे से होगी ओके okay? तो फ्लूड काइनेमेटिक्स हम पहले देखेंगे तो सबसे पहले क्या तो फ्लूड काइनेमेटिक्स या हाइड्रोकाइनामेटिक्स है क्या वो मैं आपको दिखाऊंगा वो वो मैं आपको बताऊंगा तो हाइड्रोकाइनोमेटिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द फ्लूड मैकेनिक्स ओके ये एक फ्लूड मकैनिक की ब्रांच है विच डीलिंग फ्लूड वैन इट इज इन मोशन जब आपका फ्लूड मोशन में होता है तब उसके साथ जो उसकी प्रॉपर्टी का हम बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो वो स्टडी को हम फ्लूड कामेटिक्स बोलाते हैं वो ब्रांच है फ्लूड मैकेनिक्स हाइड्रोकाइनमेटिक्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो यानी कि अब देखो कोई भी लिक्विड या फ्लूड जो है वो मोशन में इसका मतलब क्या हुआ कि उस वो, वो जो फ्लो हो रहा है उसके लिए कोई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है बट हमें जो है वो यहाँ पे फ्लूड काइनेमेटिक्स में वो फोर्सेस की स्टडी नहीं करनी ओके विथाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो जो फोर्सेस फ्लो जो है फ्लूड का फ्लो करवाने के लिए जो आ, मतलब इम्पोर्टेंट है वो फोर्सेस की हमें स्टडी नहीं करनी है हमें ओनली उसकी मोशन की स्टडी करनी है यानी कि वो फ्लूड फ्लो कर रहा है तब उसकी मोशन कैसी है उसकी स्टडी करनी है तो ऐसी अगर कोई ब्रांच है तो वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और हाइड्रोकाइनोमेटिक्स वंस अगेन हाइड्रोकाइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन विथाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड स्टडी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वाटर जब वाटर फ्लो कर रहा है तब तो उसकी वेलोसिटी की स्टडी करना जब वाटर फ्लो कर रहा है तब तो उसकी एक्सेलरेशन की स्टडी करना हैंस इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मोशन ऑफ लिक्विड्स विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स कॉजिंग मोशन तो यहाँ इस चैप्टर में यानी कि ये यूनिट में फ्लूड कैनमेटिक्स में हम फ्लूड की ओनली मोशन की स्टडी करेंगे और उसके लिए उसकी मोशन के लिए जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्सेस की स्टडी नहीं करेंगे, ओके तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और फ्लूड काइनेमेटिक्स क्या है वो आप अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ्लूड काइनेमेटिक्स के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो एंड एप्लीकेशन अब देखो काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि फ्लूड फ्लो का मोशन का हम स्टडी करेंगे तो मोशन में क्या आएगा सबसे फर्स्ट तो कि हम उसके स्टडी कैसे करेंगे कौन सी मेथड से करेंगे वो आएगा प्लस उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा आपका वो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो होगा तो यानी कि काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कि फ्लूड फ्लो कौन कौन से टाइप के हैं उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है ये सारी चीज़ जो है वो हम ये यूनिट में देखने वाले हैं मैंने जो आगे बताया था इंट्रोडक्शन में वही है व्हाट इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूड तो फ्लूड काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन व्हेन प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड ओके ये थोड़ी सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने बताई थी उससे बट अगर वो वाली लिख सकते हो आप तो वो भी बेटर रहेगा ये लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन जब फ्लूड मोशन में होता है तब उसकी स्टडी करना वेर प्रेशर फोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड उसमें प्रेशर फोर्सेज हम कंसिडर नहीं करते हैं ओके इट इज जनरली ए कंटिन्यूस फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम देखो ये एक जनरली कंटिन्यूस फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का ओके स्पेस एंड टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी मदद से हम ये कंटिन्यूअस फ्लो की या कंटिन्यूस फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं अब देखो मैथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन तो अब देखो अ फ्लूड कंसिस्ट ऑफ एन अ इन नंबरेबल नंबरेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वोज रिलेटिव पोजिशन्स आर नेवर फिक्स देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं फ्लूड में आपको पता है कि जिसके हम मतलब गिन नहीं सकते उतने होते हैं तो वो पार्टिकल की रिलेटिव पोजिशन्स कभी फिक्स नहीं होती वैन एवर अ फ्लूड इन मोशन दिस पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग सर्टेन लाइन्स डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड एंड द सेप ऑफ द पैसेज थ्रू विच द फ्लूड पार्टिकल्स वो ओके तो ये क्या होता है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे मतलब कोई एक निश्चित लाइन के आसपास जो है वो मोशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड और वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड सेफ ऑफ सेफ ऑफ पा पासेज थ्रू विच द फ्लूड पार्टिकल्स वो तो फ्लूड पार्टिकल्स जो मूव करते हैं यानी कि जो पासेज में मूव करते हैं देखो फ्लूइड जो है वो जनरली हम पाइप में मूव कराते हैं तो पाइप जो है वो सर्कुलर होती है ओके okay? तो हम यहाँ पर सर्कुलर स्टडी जो है फ्लूड की उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि फ्लूड के लिए एक पाइप फ्लो जो है वो पॉसिबल फ्लो है और सेफेस्ट वे भी है इसीलिए ओके फॉर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फ्लूड मोशन इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द फ्लूड पार्टिकल्स एट वेरियस पॉइंट एंड टाइम्स देखो एक अच्छी स्टडी के लिए एक एक्यूरेट स्टडी के लिए हमें फ्लूड की मोशन को जो फ्लूड के पार्टिकल्स की जो मोशन है उसे हमने वेरियस पॉइंट्स एंड टाइम्स पे चेक करना पड़ता है ओके okay? तभी जाके हम मतलब एक्यूरेट स्टडी कर पाते हैं ओके okay? तो ये एक मैथड्स में क्या था कि दो मेथड हैं हमारे फ्लूड uh, मोशन के लिए एक जो है वो लैंग्रेजियन मेथड आती है एंड सेकेंड जो आती है वो यूलेरियन मेथड आती है ओके okay? तो लैंग्रेजियन मेथड में क्या होता है वो हम देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि डिस्क्राइब्स अ डिफाइंड मास यानी कि पोजिशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रेशर टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम ओके देखो इसमें क्या है कि एक डिफाइन मास जो होता है यानी कि आप पोजिशन ले लो तो उसका जो है वो टाइम के uh, मतलब रिलेटिव में आपको दिखाता है कि टाइम के रिलेटिव में उसका क्या फंक्शन होगा वेलोसिटी का क्या फंक्शन होगा एक्सेलरेशन का क्या फंक्शन होगा प्रेशर टेम्परेचर ये सारी क्वांटिटीज का uh, ये सारी क्वांटिटीज को हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखाते हैं ओके एग्जाम्पल ट्रैक द लोकेशन ऑफ अ माइग्रेटिंग बर्ड यानी कोई भी अगर बर्ड एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है तो उसका उसका हमें पोजिशन अगर फाइन करना है सपोज एक बजे वो कहाँ था दो बजे वो कहाँ था चार बजे वो कहाँ पहुँचा होगा तो ये क्या हुआ उसकी लोकेशन को ट्रैक करना हुआ उसकी पोजीशन को टाइम के रिलेटिव में ट्रैक करना हुआ तो ऐसी जो मेथड होती है उसे हम लैग्रेंजियन मेथड कहते हैं ओके गे? तो इन द लैंग्रेजन मैथड सिंगल फ्लूड पार्टिकल इज ऑल फॉलोड ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड इट्स विलोसिटी एग्री एक्सेलरेशन डेंसिटी एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड ओके तो लैंग्रेजन मेथड में हम एक फ्लूड पार्टिकल पकड़ते हैं और उसकी मोशन को और उसकी मोशन के ड्यूरिंग में यानी कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स मोशन हम क्या करते हैं उसकी वेलिसिटी एक्सेलरेशन डेंसिटी वगैरह वगैरह जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं ओके तो इन अ कार्टेशियन सिस्टम देखो यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं है बट मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि फ्लूड पार्टिकल को हम स्पेस में देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि स्पेस एंड टाइम दोनों को ध्यान में रख के हम स्टडी करते हैं ओके तो स्पेस में हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड एट एनी टाइम टी फ्रॉम पोजिशन ए बी सी एट अ टाइम टी जीरो ओके अब देखो कोई भी पार्टिकल की पोजिशन कौन कौन सी हो सकती है ये तीनों कार्टेशियन में तो एक्स डिरेक्शन में ए वाई डायरेक्शन में बी एंड जेड डिरेक्शन में सी कोई भी टाइम पे, यानी टाइम इज इक्वल टू जीरो हम ले सकते हैं तो मैं एक्स की पोजिशन लिखूँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड टी ओके स्पेस एंड टाइम का फंक्शन यानी कि फंक्शन एफ वन ए बी सी टी वाई इज इक्वल टू एफ टू ए बी सी टी एंड जेड इज इक्वल टू एफ थ्री ए बी सी टी ओके सारी डिटेल्स जो है वो आपकी बुक में अवेलेबल है तो आप वहां जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो अब अगर मैं उसे टाइम के रिलेटिव में लेता हूँ तो वेलोसिटी कंपोनेंट में लेता हूँ उसका ऑफ द तो फ्लो फ्लो फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थ्री कंपोनेंट स्कैलर क्वांटिटी, ओके तो यू जो होगा वो आपका क्या होगा यू जो होगा वो आपका हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल्टी वी हो जाएगा डेल वाई बाय डेल्टी एंड डब्ल्यू जो हो जाएगा वो डेल जेड बाई डेल्टी ओके okay? तो ये एक्स वाई एंड जेड जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए थे एफ वन एफ फंक्शन वाले उसका ये वेलोसिटी कम्पोनेंट हो गया ओके okay? यू वी एन डब्ल्यू एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कैन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर देन वेलोसिटी वेक्टर वी बार इज इक्वल टू यू आई वी जे एंड डब्ल्यू के ओके और एक्सेलरेशन कंपोनेंट अगर हमें चाहिए तो एक्सेलरेशन में क्या होगा वो स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर एक अपॉन डेल टी स्क्वायर उसके बाद ए वाई का होगा तो वो उस पर भी स्क्वायर चला जाएगा ओके okay? डेल स्क्र वाई अपन डेल्टी स्क्वायर एंड ए जेड होगा उसमें हो जाएगा डेल स्क्र जेड अपॉन डेल टी स्क्वायेयर रिजल्ट एन एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जैसे ही अंडर आउट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड वैक्टर जो होगा ए बार जो होगा ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के तो ये जो है ये मेथड जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ओके एंड इट is also डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द fluid मोशन इन द इन दिस method ओके okay? तो so, यहाँ पे थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ये लैंग्रेजियन मैथड तो उसी के लिए जो है वो हमने यूलेरियन मैथड जो है वो डिस्क्राइब की है तो यूलेरियन मैथड क्या है वो हम देखते हैं तो इट डिस्क्राइब्स द फ्लो फील्ड फ्लो फील्ड यानी कि वेलोसिटी एक्सलरेशन प्रेशर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम देखो पहले ओनली हम टाइम के रिलेटेड में देख रहे थे बट अब क्या करेंगे हम पोजिशन एंड टाइम दोनों डिस्क्राइब करेंगे मेथड में ओके okay? वेलोसिटी कोई भी फ्लूड फ्लो जब होता है फ्लो फील्ड में तब उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रेशर और टेम्परेचर ये चारों चीजों को हम एज अ फंक्शंस ऑफ पोजिशन एंड टाइम दिखाएंगे तो ऐसी जो मेथड है उसे हम यूलेरियन मेथड बुलाते हैं और उसका एग्जाम्पल है काउंट द बर्ड पासिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन ओके पहले हम क्या करते थे लैंग्रेजियन में कि कोई एक बर्ड को पकड़ते थे और वो बर्ड की टाइम के रिलेटेड यानी कि दो बजे तीन बजे चार बजे उसकी पोजिशन कहाँ है वो डिस्क्राइब करते थे बट नाउ इन यूलेरियन मेथड हम क्या करेंगे कोई एक पॉइंट फिक्स कर देंगे और वहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में कितने बर्ड पास हो रहे हैं वो स्टडी करेंगे तो फ्लूड फ्लो फ्लूड फ्लो फ्लो को जो है वो हम ये बर्ड के फ्लो के साथ जो है वो मैच कर सकते हैं जैसे कि पहले हम फ्लूड पार्टिकल में किसी एक पार्टिकल को पकड़ के उसकी स्टडी करते थे बट अब हम क्या करेंगे कोई एक पॉइंट फिक्स कर देंगे कोई एक पोजिशन फिक्स कर देंगे और उसी टाइम पे यानी कि वो पोजिशन पे उसी टाइम पे कितने मतलब पार्टिकल्स पास होते हैं उसके ऊपर से हम ये स्टडी कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम यूलेरियन मेथड बुलाते हैं ओके okay? तो इसमें जो है वो स्पेस एंड टाइम दोनों को दिखा दिखाया जाता है सपोज अगर हम कर ले तो एक्स वाई जेड बी द स्पेस कोऑर्डिनेट एट अ टाइम टी एक्स वाई जेड जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट है जो आगे भी थे ओके okay, मैथड में एट अ टाइम टी देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अगर वेलोसिटी वेक्टर हमें बनाना है यू वी एंड डब्ल्यू तो वो हो जाएगा फंक्शन वन एफ वन एक्स वाई जेड टी वी इज इक्वल टू एफ़ टू एक्स वाई जेड टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स वाई जेड टी अब वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगे वो यू वी एंड डब्ल्यू डेल एक्स बाय डेल डेल टी डेल वाई डेल टी एंड डेल जेड बाई डेल टी रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे के जैसा ही अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और ऐसे ही जो है वो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं ओके okay? तो एक्सेलेशन के लिए अब क्या होगा एक्सेलरेशन के लिए होगा डेल यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू इन टू डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी ओके तो ये जो होगा वो आपका डी यू होगा और उसके हिसाब से आप जो है वो एक्सेलेशन कंपोनेंट्स जो है वो निकाल सकते हो ईज़ीली तो जब u होगा u बाई डेल एक्स तो उसके मल्टीप्लाई में हमें u करना है डेल u बाई डी वाई होगा डेल वाई होगा तब उसके कंपोनेंट कम, को हमें वेलोसिटी v से आ, करना है एंड अगर थर्ड कंपोनेंट होगा तो u बाई डेल z तो उसे हमें w से मल्टीप्लाई करना है और एडिशनली u बाई डेल t रहेगा ओके तो ये जो है वो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड का फार्मूला है उसके बाद रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम एक स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से निकाल सकते होके तो ये जो है वो ओनली मतलब आपके स्टडी पर्पज़ के लिए है यूलेरियन मेथड एंड लैंग्रेजन मेथड तो इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब बहुत सारा दिखाया नहीं है आपको बट खाली बुक के हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे जो है वो स्टडी की जाती है बट हमें इतना याद रखता है कि लैंग्रेजन मेथड में हम कोई एक फ्लूड पार्टिकल को पकड़ के उसकी स्टडी करते हैं जबकि यूलेरियन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई एक पॉइंट कोई एक पॉइंट है वहाँ से कितने मतलब जो है वो जा रहे हैं फ्लूड पार्टिकल्स उसकी स्टडी करते हैं ओके okay? तो उसे हम यूलेरियन मेथड बुलाते हैं उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो आता है कि टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो कितने टाइप के होते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो जो है वो सिक्स टाइप्स के हैं हमारे सिलेबस में सबसे फर्स्ट है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो वन टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो ओके ये सारे फ्लोज़ की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है मतलब उसके नाम पे से ही हमको ये डेफिनेशन आ जाएगी कि कौन सा फ्लो हमें क्या बताना चाह रहा है ओके okay? तो सबसे ईजिएस्ट ये टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो है तो आज हम वो भी देखेंगे थोड़े और बाकी के जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओके okay? तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो से ओके okay? तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो क्या है वो हम देखते हैं <coughs> तो स्टेडी फ्लो में इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एक्सेट्रा एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम तो अगर स्टेडी की मैं डेफिनेशन लिखूँ तो ऐसे होगा स्टेडी फ्लो इज़ डिफाइंड As that type of flow in which the fluid particle, fluid characteristics like velocity, fluid ki velocity hogi pressure and density जो है uh, at a point do not change with time, yani time ke sath ye property change nahi hogi okay? आप कितना भी time spend कर लो but उसकी velocity change नहीं होगी, उसका pressure change नहीं होगा और उसकी density change नहीं होगी। तो ऐसे flow को हम steady flow बोलते हैं। मैथेमेटिकली वी कैन से डेल वी बाय डेल्टी डेल रो बाई डेल्टी एंड डेल एंड डेल पी बाय डेल्टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते टाइम के साथ उसका जो अगर हम डेरेवेशन करें तो वो जीरो रहेगा ओके इन अ स्टडी फ्लो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि डिस्चार्ज जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा अगर स्टडी फ्लो है आपका तो आपका डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उसके एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं फ्लो इन प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक पाइप ओके प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक पाइप का जो है वो हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं उसके बाद जो है वो अनस्टेडी फ्लो है तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है अनस्टेडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एक्सेट्रा एट अ पॉइंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ये सारी क्वांटिटीज जो है वो वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी ये जो है वो चेंज हो जाती है ओके यानी मैथामेटिकली वी कैन से डेल वी बाय डेल्टी रो बाय डेल्टी एंड डेल पी बाय डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके यानी क्यूँ जो है वो अब कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा आपका इन अनस्टडी फ्लो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कॉन्स्टेंट ओके तो ऐसे फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो बुलाएंगे और उसके एग्जाम्पल में हम ऐसा लिख सकते हैं फ्लो इन पाइप वुज वाल्व इज बींग ओपन और क्लोज ग्रेजुअली यानी ऐसी पाइपलाइन के जिसका हम जो वाल है वो ग्रेजुअली हम ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं तो ऐसे फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो बुलाएंगे ओके यहाँ पे आपको दिखाया है चेंजिंग इन टाइम और फ्री सरफेस जो है वो नीचे आ रहा है ओके okay? तो इन विच द फ्लूड वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एट द पॉइंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी अगर समय के साथ जो है वो चेंज होती रहती है तो ऐसी जो फ्लो होता है फ्लूड का उसे हम अनस्टेडी फ्लो बुलाते हैं ओके okay? तो आज के लिए यहाँ तक आज हमने देखा स्टूडेंट्स के काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूड किसे बुलाते हैं ओके काइनेमेटिक्स फ्लुइड काइनेमेटिक्स क्या है फ्लूड काइनेमेटिक्स या तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स दोनों सेम वर्ड है उसके बाद जो है वो मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूड मोशन लैंग्रेजियन मेथड यूलेरियन मेथड देखा उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लूड में फ्लूड uh, फ्लो में हमने स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो देखा तो आज के लिए यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स Okay students thank you for watching and keep watching for updating videos of fluid mechanics and hydraulics thank you